खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों। लांजी पुलिस अधीक्षक महोदय बालाघाट नागेंद्र सिंह द्वारा क्रूरता पूर्वक पशुओं की तस्करी और गोवंश तस्करी मामलों को गंभीरता से लेकर तस्करी करने वाले आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने हेतु जिले के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था। उसी क्रम में लांजी पुलिस द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केएल बंजारी एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लांजी सतेंद्र घनघोरिया के मार्गदर्शन में थाना लगी पुलिस द्वारा क्रूरतापूर्वक दो ट्रकों में ले जा रहे 36 नग मवेशियों को तस्करों से छुड़ाकर तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की। थाना प्रभारी लांजी द्वारा सूचना तंत्र विकसित कर ग्राम दिखोरी में शिव मंदिर के पास जंगल में कुछ लोग गोवंश को कत्लखाने ले जाने व मवेशी तस्करी की संभावना है, जो प्राप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी लांजी द्वारा पुलिस टीम गठित कर गोवंश और क्रूरतापूर्वक पशुओं की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की। वैसे ही डबल मनी मामले में वर्ष 2022 से फरार 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपियों के ऊपर विभिन्न धारा के तहत अपराध पंजीकृत है। अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 के पंजीकृत किया गया था। प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी मनोज पिता राधेलाल राउत, विजय पिता राधेलाल राउत, संतोष पिता राधेलाल राउत को गिरफ्तार कर जेल के लिए रवाना किया। हमें मिले हैं जिसमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल 39 गोवंश और 2 ट्रक जो कि महाराष्ट्र पासिंग के हैं घटनास्थल से जब्त किए गए हैं। इसमें विवेचना जारी है और इसमें इसकी चेन का हम लोग पता लगाएंगे कि ये कहाँ लेके जा रहे थे। गो तस्करी के साथ ही इसमें जो महाराष्ट्र की जो गाड़ियाँ हैं उसमें अगर इनकी संलिप्तता पाई जाती है और नागपुर और जहाँ की भी गाड़ियाँ रहेगी वहाँ जाकर पता करेंगे। और इसमें अगर चेन में अगर महाराष्ट्र के आरोपी मिलते हैं तो निश्चित तौर पर उनको भी इसमें मुलजिम बनाया जाएगा। और गो तस्करी को लेकर चूंकि पुलिस अधीक्षक महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं किसी पर कृति किसी। लांजी से खबर समेत जगत के लिए रुपेश रावते की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।